क्या बात कर रहे हैं, यही दिल्ली का इतिहास रहा है। कितनी बार यह केंद्र के साथ रही है, हमेशा यह सत्ता के विरुद्ध रही है, और कारण है उसका। उसके इतिहास में जाइए, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ थे, दिल्ली में शासक था, हिंदू शासक था, एक छत्र राज था, पूरे भारत को एक कर रहा था। उस समय यहाँ के हिंदू जयचंद मिल के जाके और मोहम्मद गौरी को बुला के लाते हैं, मोहम्मद गौरी को बुला के लाते हैं अफगानिस्तान से, है ना, लाते हैं और युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी के साथ मिलते हैं और हार होती है, मोहम्मद गौरी की हिंदुत्व की हार होती है। तो जो जो राष्ट्रवादी थे वो मर गए, बाकी कौन बचे? गद्दार, फ्री वाले। तो जब वही बचे हैं तो उनसे राष्ट्रभक्ति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं भैया? या कोई अनहोनी रिजल्ट नहीं है, इनको पैसा दीजिए और इनको रात ये अपना दरवाजा रात को खोल देंगे। इशारे इशारे में समझ रहे हैं हमारी बात ना? ये बात है। अगर यह होता तो शाहीन बाग में वो हम तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इला हिल्ला कहते वो लोग, इतनी औकात होती, हम वोट से जवाब दिए होते, है ना। वो जम्मू और जामिया में इस तरह की घटनाएं घटती, वो बसों पे पत्थर फूंकते, वो खिलाफत 2.2 लिखते, क्या वोट दे के मैसेज दिया है। अरे ये सही बात है कि दुनिया में विदेशी लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि देखो ये भारत की तस्वीर है, भिखारी ज्यादा हैं, तो और ले जाके दिखाते हैं। हम दिल्ली ने साबित किया है कि हाँ हम वास्तव में भिखारी हैं और भिखारी ही रहना चाहते हैं, यही भारत की औकात है, ये सच्चाई। पाकिस्तान में भी कैंपेनिंग किया था, इस वर्तमान जो सरकार की जो पार्टी आई है उसके पक्ष में जो है, पाकिस्तान से भी ट्वीट आया था कि मोदी सरकार को मोदी को बाहर रखना चाहिए और इस आम आदमी पार्टी को इसी इशारा वही था कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये माने है दिल्ली की जनता या दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता, देखिए केजरीवाल जी प्रमोटेड हैं भाई, कांग्रेस जा रही है, तो जो हमारे देश के विरोधी ताकते हैं, एक मोदी जैसे महान विश्व स्तर के नेता के पक ईमानदारी के रूप में किसी नेता को प्रपोज करना है तो देखिएगा। या हनुमान जी, अभी राष्ट्रवाद भी आज टीका लगा के शंख बजा के, है ना, उधर देखिए तीन तरह का, मैंने तीसरा वो कह रहा है, अमानतुल्ला कह रहा है कि शाहीन बाग की जीत है, और इधर राष्ट्रवाद के नाम पे मंदिर जा रहे हैं केजरीवाल जी। कितना ढोंग है, कितना दुगलाई है, समझ रहे हैं? इसको समझना पड़ेगा। यह ISI की तरफ से फंडेड आदमी है और मोदी जी के खिलाफ एक यह कि ईमानदार नेता पैदा किया जाए, यह प्लानिंग है, यह दिल्ली की जनता नहीं समझ पाई है और छल गई है। एक और चीज, दूसरी चीज कि यह जो बिजली पानी दिया गया है, अब यह कहेगा क्या मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं, यह 1 अप्रैल से बंद होने वाला है, इस पोल को आप लोग खोलते रहिए, मीडिया की जिम्मेदारी है। यह कहेगा कि 10,000 करोड़ केंद्र से मिलने वाला था जो मोदी जी नहीं दिए इसलिए हम बंद कर रहे हैं, यह ढोंगी यह करने वाला है, और वही तमाशा लेकर पूरे देश में जाएगा, चुनाव लड़ेगा, इस पोल को खोलते रहना है, यह सब लोगों की जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता फ्री की लालच में बह गए हैं, तो और बैकडोर से कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कहते हैं जो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आज कांग्रेस जीरो में आ गए, पिछले बार भी जीरो, इस बार भी जीरो, बैकडोर से कांग्रेस ने सपोर्ट किया बोल के आज 62 सीट आए हैं। तो उनको मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं, आप कृपया करके 5 साल और दिए, जनता के सेवा कीजिए और केंद्र की योजना जो भी है केंद्र का योजना वो भी लागू कीजिए, आयुष्मान योजना हो और बहुत सारे योजनाएं हैं वो लागू कीजिए। आपको तो हनुमान चालीसा भी याद आ गए हैं, आपको अभी मौलानाओं को 18,000 रुपया दिया जा रहा है, आपको हिम्मत नहीं हुई हमारे हिंदू ब्राह्मणों को 18,000 रुपया देने में, आज आपको हनुमान मंदिर कर्नाट प्लेस में दर्शन करने आए और हनुमान मंदिर के ब्राह्मणों को आप 18,000 रुपया हर महीने कृपया करके दिया कीजिएगा, सब तभी कहेंगे जे केजरीवाल जी अब सच्चे हैं देशभक्त। देखिए कांग्रेस पार्टी का सुप्रा साहब, कांग्रेस ने बैकडोर से इसको सपोर्ट किया इसीलिए सुप्रा साहब हो गया, इनका मुद्दा ही था CA का विरोध करो, NRC का विरोध करो, ये विरोध के चक्कर में खुद पिस गए। और इन्होंने प्रियंका वाड्रा ने इंडिया गेट में किसको लेके जा रहे हैं, 1984 दंगा आरोपी जगदीश ट्राइकलर को लेके इंडिया गेट में पहुंचते हैं, इसीलिए कुछ विरोध उसमें भी गए हैं। और
शोएब इकबाल साहब मटिया महल से जो जीते हैं वो कह रहे हैं शाहीन बाग की जीत है। मैं कहना चाहता हूँ शोएब इकबाल जी, ये दिल्ली की जीत है, कहीं शाहीन बाग की भी जीत नहीं है और पाकिस्तान की भी जीत नहीं है, दिल्ली की जनता की जीत है। पाकिस्तान ने कंपेनिंग किया था इनके पक्ष में, तो क्या उसका भी असर हुआ? क्या दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हमारा जो है प्रचार जो है पाकिस्तान करे? बिल्कुल नहीं। कराची से जो गद्दारों का जो आया था ट्वीट आया था केजरीवाल के सपोर्ट में, जो वोट कीजिए केजरीवाल जी को, कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा उस किस जगह शाहीन बाग के जगह कुछ एरियो में, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाकों में अभी 70,000 मतों से जीते हैं आपका आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान, उस जगह में कुछ मुस्लिम बहुल इलाके में प्रभाव पड़े हैं पाकिस्तान से जो आया था ट्वीट, उसकी वजह से। बाकी मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी 5 साल और दिए हैं आपको जनता ने, अब विकास कीजिए। इलेक्शन के बाद 8 तारीख को ही जब एग्जिट पोल जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे थे, तो उसके बावजूद भी, जो पक्ष में होने के बावजूद भी फिर यही घबराहट शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई। ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ना संजय सिंह ने भी चालू कर दिया था, अब क्या हो गया? अब ईवीएम सही है? आप जहाँ जीतते हैं ईवीएम सही है, जहाँ हारने लगते हैं वहाँ ईवीएम गलती है। मोदी ने हैक करवा दिया, अमित शाह ने हैक करा दिया, चुनाव आयोग ने हैक करा दिया। चुनाव आयोग जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्या संविधान पे जो है इनको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो कीजिए, आप तो जीत गए, आप तो विश्वास कीजिए चुनाव आयोग पर। घबराहट, इतनी घबराहट क्यों थी? क्यों आत्मविश्वास क्यों जगमगा? कहीं ना कहीं इनको थोड़ा दिक्कत थी, इनको दिक्कत थी कहीं ना कहीं हारने का चक्कर में, डर सता रही थी इनको। धन्यवाद। मेरा एक शिकारी आएगा, कबूतर और जाल इस कविता का नाम है, बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। दिल्ली की जनता उस दाने और जाल में फंस चुकी है, जो पिछले 4 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रही है। आने वाले 1.5-3 महीनों में उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री कर दिया, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी। मैंने देखा है स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्कूल की पेंटिंग हुई है, दीवार की पोटाई हुई है, कोई उसमें शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, किसी तरह की कोई व्यवस्था, जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं उसमें एक डॉक्टर नहीं है, एक पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं है, एक गोलियाँ नहीं है, किस तरह की आप विकास किए हैं? अब रही बात 31 मार्च तक की, जो भी इनका फ्री का जो है वो 31 मार्च तक का ही सिस्टम है, अब इनको फिर 31 मार्च के बाद मोदी सरकार काम नहीं करने देगा और जनता जाल में फंस चुकी है और 5 साल तक जनता को झेलनी पड़ेगी। बिजली पानी और लेडीज़ का ये जो फ्री आना जाना है, ये बिल्कुल ही केजरीवाल साहब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास नहीं होने वाला, देश नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि इसका खमियाजा हमें आज नहीं भुगतना पड़ेगा तो आने वाले टाइम में हमें भुगतना पड़ेगा। देश के विकास की ओर सोचा जाए, ना कि जैसे अभी भाई साहब ने कविता सुनाई, वो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी सुनाई, कबूतर दाना डालो आएगा और फंस जाएगा और शिकारी उसको पकड़ के ले जाके हलाल करो। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जैसे तमाम चैनलों पर दिखाया जाए कि बीजेपी की हार है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि चुनाव एक महीने से अपनी मेहनत पे लगी थी, लेकिन आपने कई देखा होगा कि इतने कई सीटें हैं जिसमें 100 वोट से आ रहे हैं और 18-19 सीटें ऐसी हैं जहां पर हजार 1500-1500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ठीक है, हार होती है और जीत होती है, बधाई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जनता से अब दिल्ली के तमाम जनमानस को यह तय करना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि आपने जिता दिया। सीधी बात है, 4.5 साल वो राज करने के बाद दिल्ली पे कहते थे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम करने करने दे रहे, आखिरी के 5-6 महीने में सब कुछ फ्री करके, बिजली पानी और महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करके उन्होंने ये जता दिया फ्री वाला सिस्टम चलेगा। लेकिन अब जनता को ये तय करना पड़ेगा, दिल्ली के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को तय करना पड़ेगा, तमाम जनमानस को ये तय करना पड़ेगा कि क्या कैबिनेट की पहली, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में जिन्होंने जो उन्होंने वादे किए दिल्ली की जनता को, लॉलीपॉप दिया है, सीधा जिंदगी फ्री का जो सिस्टम लगाया है वो किसके बोझ पे जाएगा? केंद्र सरकार पे जाएगा, दिल्ली की जनता पे जाएगा? टैक्स पैसों का जो जाता है उसको तय करना पड़ेगा, और क्या वो लागू कर पाते हैं या 4.5 साल राज करने के बाद मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं उसको एजेंडे को करने के बाद 6 महीने फिर फ्री कर देंगे और फिर से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, जहां तक दिल्ली की जनमानस है, जो उनका निर्णय सर माथे पर है, जनता जनार्दन होती है, जो वो तय करती है उसको सर माथे पर है। लेकिन बीजेपी
इस चुनाव से पहले महीने डेढ़ महीने पहले आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो दिल्ली में लीड नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से 15 दिन आखिरी 15 दिन पर जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की थी और कहीं ना कहीं जो हमारी सीटें आई हैं 8 सीटें आई हैं उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम 100-100 वोट से कई सीटें हम 100 वोट से आ रहे हैं, कई सीटें 1000-1000 वोट से आ रहे हैं। तो लेकिन हार और जीत बधाई है मुख्यमंत्री, मैं फिर पुनः बधाई है मुख्यमंत्री, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं अब दिल्ली की जनता को उनको वो वादे निभाएं और दिल्ली के जो जनमानस से जो झुग्गी झोपड़ी जिन्होंने काम देने जिन्होंने उनको जिताया है उनके सुख दुख में भागीदार बने, ये ना करें कि लॉलीपॉप दे के फिर से मजे करें, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, वो वाला एजेंडा ना चलाएं पिछली 5 साल की तरह। EVM है कोनी वाली बात हो रही थी और संविधान पे जैसे कि विश्वास हट गया होगा, चुनाव आयोग भी जो है उसमें ये मोदी सरकार के मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर के सब जो है इनकी जो है ये EVM मशीनें हाई करके गड़बड़ी करने का माहौल, तो इस तरह से जो असुरक्षा की भावना थी वो क्यों थी और ये शक क्यों था? देखिए मैं बताना चाहता हूँ देश की जनता को कई पार्टियाँ जो गुमराह करना चाहती है, ठीक है। EVM आप भी पढ़े लिखे हो कि आप जब जाते हो तो आपकी साइन होती है बराबर, उसके बाद जब वोट देते हो पर्ची निकलती है बराबर, सब सेट वहाँ पर कितनी मशीनें सब कुछ सेट रहता है, तो ये देश की जनता को बरगलाने वाला काम नहीं किया जाए। लेकिन जब उनको सारे चैनलों से ने आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई दी थी, उनको सरकार बनाई थी, लेकिन उनका डर जायज था, उनका डर जायज था, लेकिन अब देश पढ़ा लिखा चुका है ये EVM का रोना। अब इस तरह तो भारतीय जनता पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकती है कि EVM में गड़बड़ी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई एजेंडा नहीं चलाया है। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को अब तय करना पड़ेगा, उन्होंने जिसको जिताया जीत सर माथे पर, अब दिल्ली की जनता के साथ किया हुआ वादा वो निभाएंगे या फिर से 4.5 साल लॉलीपॉप देने के बाद ये कहेंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। इसका क्या होगा, कांग्रेस एक भी सीट इस बारे में तो देश की जनता बता, कांग्रेस की एक भी सीट है। आप सोचो जिस शीला दीक्षित के काम पर, शीला दीक्षित ने इतना काम किया था आप सबको पता है, यहाँ पे तमाम बच्चे को यहाँ पता होगा, लेकिन उन्होंने पिछले चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन जब विकास की बात पर देखो जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कई पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं। तो जहां तक रही राजनीति की बात, कांग्रेस पूरी तरह से कहीं भी नहीं है और कांग्रेस ने नीचे खाने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। 67 लोगों की जमानत जब्त, 67 विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। राहुल गांधी को इस हार को बहुत स्वीकार गंभीरता से लेना पड़ेगा या तो फिर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लिप्त हो गए।